कक्षा 6 पाठ 2 भोजन के घटक। प्रश्न 1, हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम लिखिए। उत्तर, पहला कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन, तीसरा वसा, चौथा विटामिन, पांचवा खनिज लवण, छठा जल तथा रुक्षांश। प्रश्न 2, निम्नलिखित के नाम लिखिए। पहला पोषक जो मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं। उत्तर, कार्बोहाइड्रेट और वसा। दूसरा पोषक जो हमारे शरीर की वृद्धि और अनुरक्षण के लिए आवश्यक है। उत्तर, प्रोटीन। तीसरा वह विटामिन जो हमारी अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक है। उत्तर, विटामिन ए। चौथा वह खनिज जो अस्थियों के लिए आवश्यक है। उत्तर, कैल्शियम। प्रश्न 3, दो ऐसे खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए जिनमें निम्न पोषण प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। पहला वसा, घी, तेल, चिकने पदार्थ। दूसरा मंड, गेहूं, चावल, आलू। तीसरा आहारी रेशे, सब्जी और फल। चौथा प्रोटीन, दालें, राजमा, मूंग, अंडा, पनीर। प्रश्न 4, इनमें सही कथन अंकित कीजिए। पहला, केवल चावल खाने से हम अपने शरीर की पोषण आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं, असत्य। दूसरा, संतुलित आहार खाकर अभावजन्य रोगों की रोकथाम की जा सकती है, सत्य। तीसरा, शरीर के लिए संतुलित आहार में नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ होने चाहिए, सत्य। चौथा, शरीर को सभी पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए केवल मांस पर्याप्त है, असत्य।